हेलो माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टी क्यू एम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट कह लो टॉपिक कह लो चैप्टर कह लो कुछ कह लो आप लेकिन जो क्वालिटी से रिलेटेड क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है आप चेक कर सकते हो तो हम टी क्यू एम से शुरू कर रहे हैं तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है तो उसके लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल डिस्कस करना पड़ेगा तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल एक इफेक्टिव सिस्टम है जिसमें कि इंटीग्रेशन होता है डेवलपमेंट क्वालिटी मेंटेनेंस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कि जो भी एफर्ट्स लगाए गए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक है जिसकी वजह से क्या मिलेगा प्रोडक्शन एंड सर्विस ऐसी मिलेगी जो कि मोस्ट इकोनॉमिक लेवल पे हो और फुल कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो यानी कि टोटल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम सिस्टम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं जो भी टर्म्स यूज़ होती हैं जो भी डिपार्टमेंट यूज होते हैं जैसे कि क्वालिटी डेवलपमेंट क्वालिटी मेंटेनेंस क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो उन्हीं को ग्रुप किया जाता है एक इंटीग्रेट किया जाता है और हमें ऐसा प्रोडक्शन या सर्विस चाहिए जो कि मोस्ट इकोनॉमिक से कस्टमर फुली सेटिस्फाई हो कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो ठीक है तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल जोर देता है गिव स्ट्रेस ऑन अ प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट रेदर देन सेटिंग इट बाय रेक्टिफिकेशन क्या है कि यह है जोर इस पे देता है टोटल क्वालिटी कंट्रोल कि रोका जाए डिफेक्ट को रेदर देन यानी कि उसको होने से पहले उसको रोका जाए अगर और डिफेक्ट हो गया तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना ठीक पहले डिफेक्ट होगा उसको ठीक करेंगे बावजूद इसके टोटल क्वालिटी कंट्रोल प्रिवेंट करता है डिफेक्ट को नेक्स्ट जो uh, कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी का डिफरेंट है फ्रॉम द प्रोडक्ट क्वालिटी टोटल क्वालिटी डिफरेंट है प्रोडक्ट क्वालिटी से क्योंकि जो इसमें क्या होता है प्रोडक्ट क्वालिटी में मतलब तो, इसमें जो टोटल क्वालिटी में कुछ ज़्यादा इंक्लूड होता है प्रोडक्ट क्वालिटी से एक्स्ट्रा होता है ठीक है इसका जो अप्रोच होती है टूवर्ड्स जो क्वालिटी से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स होते हैं प्रोसेस होती हैं प्रोडक्ट होते हैं कोस्ट प्लानिंग मैनेजमेंट तो मतलब सभी को देखा जाता है टोटल क्वालिटी में जो भी ऑपरेशन होते हैं कंपनी मार्केट के रिसर्च के कस्टमर के नीड के या ऑप्टिमम यूज ऑफ रॉ मटेरियल या इनपुट प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजाइन मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस सेल सर्विस एंड सेल ऑफ दी होल सेल या कंप्रोमाइज द टोटल क्वालिटी यानी कि जो भी टर्म्स होती, होती है ना इंक्लूड होती है टोटल क्वालिटी में जितनी भी रॉ मटेरियल से लेके नीड है के क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होने वाली है सेल सर्विसेज क्या होने वाली सब कुछ इंक्लूड होता है टोटल क्वालिटी में टोटल क्वालिटी को अचीव किया जाता है थ्रू दी टोटल एम्प्लॉय इन्वॉलमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं ना जो काम करने वाले पर्सन होते हैं उसका पूरी तरह से इन्वॉलमेंट करके अचीव कर सकते हैं हम ये शुरू कहाँ से होता है जो पीपल से शुरू किया जाता है और टोटल क्वालिटी जो आती है कम्स फ्रॉम एम्प्लॉयज क्रिएट एक्टिविटी टीम वर्क पार्टिसिपेशन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लीडरशिप मोटिवेशन तो इसका मतलब यह है कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो टोटल क्वालिटी क्या क्या इंक्लूड होता है तो देखते हैं तो इसमें क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द यूजर जो यूजर है उसकी नीड के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट किया जाता है प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को और इकोनॉमिकल कंसिडरेशन देखा जाता है मोस्ट है इकोनॉमिकल कंसिडरेशन विद फुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंटरेक्शन विद दी प्रोडक्ट डिजाइन ये इंटरेक्शन जो प्रोडक्ट डिजाइन है उसके साथ इंटरेक्ट किया जाता है रिलायबिलिटी एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग को देखा जाता है प्रोसेस कैपेबिलिटीज की स्टडीज करी जाती हैं क्वालिटी प्लानिंग फॉर कंट्रोल एंड प्रोडक्शन प्रोसेस असेंबलीज ऑपरेशंस के लिए देखी जाती है यानी कि क्वालिटी प्लानिंग करी जाती है प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस को असेंबली ऑपरेशंस के लिए प्लानिंग की जाती है नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल करी जाती है इनकमिंग यानी कि आने वाले मटेरियल रॉ मटेरियल की भी क्वालिटी कंट्रोल करा जाता है वेंडर क्वालिटी कंट्रोल एंड वेंडर डेवलपमेंट किया जाता है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर यानी कि जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके दौरान इंस्पेक्शन और टेस्टिंग किया जाता है इंटरेक्शन विद सर्विस इंजीनियरिंग सर्विस इंजीनियरिंग के साथ इंटरेक्शन किया जाता है ट्रेनिंग दी जाती है कस्टमर को एंड स्टाफ को क्वालिटी से रिलेटेड ऑडिट्स किए जाते हैं जिसमें कि पॉलिसीज को देखा जाता है रिव्यू किया जाता है कुछ एक सिक्स आइडेंटिफिक फाइबल फेजिज हैं जो कि क्वालिटी को अचीव कर सकते हैं यानी कि टोटल क्वालिटी को अचीव करने के लिए छह फेजेस हैं कौन कौन से फेजेस हैं कॉम्प्रीहेंसन कमिटमेंट कम्पिटिनेस कम्युनिकेशन कोरक्शन कंटिन्यूंस तो इनको देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है क्वालिटी इट शुड बी डिफाइनेबल एंड मेजरेबल यानी कि क्या क्वालिटी है क्या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं ठीक है थीके? तो एक जो कि क्वालिटी को डिफाइन किया जाता है एंड मेजर किया जाता है क्या ऐसी क्वालिटी है क्या क्या ऐसी क्वालिटी अचीव कर सकते हैं हम तो इस तरीके से क्वालिटी uh, को आइडेंटिफाई किया जाता है मेजर किया जाता है कमिटमेंट क्या है क्लैरिटी होती है कॉन्सेप्ट की पॉलिसीज की जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्सेप्ट दिए हैं पॉलिसीज बनाई है तो उनकी क्लैरिटी होती है एक क्लियर पिक्चर होती है सबको समझ में आ जाए कि क्या क्वालिटी चाहिए कंपिटिनेस का मतलब डेवलप मैथड ऐसे मैथड को डेवलप करना टेस्ट करना और ऐसे प्रोसीजर को अप्लाई करना इवलवेट करना क्वालिटी को अंडर अंडरस्टैंड करना प्राइस ऑफ नोन करपन सो ऑफ दी क्वालिटी ठीक है यानी कंपिटिनेस को देखते हुए मेथड्स को देखना डेवलप करना टेस्ट देखना क्या टेस्ट है प्रोसीजर क्या है क्वालिटी को कैसे इवेलुएट किया जा सकता है और समझना प्राइस क्या है और नॉन कन्फर्मेंस ऑफ द क्वालिटी क्या है यानी कि जो भी सर्विस या प्रोडक्ट है नॉन कन्फर्मेंस की क्वालिटी क्या है जिसको हम ये कि ये यूज नहीं हो सकता उसकी क्वालिटी क्या है ठीक है तो ये आइडेंटिफाई कर होना चाहिए तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि सही कन्फर्मेंस क्वालिटी क्या है नेक्स्ट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक अवेयरनेस पैदा करता है कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिजोल्व करता है कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज के साथ में क्रिएट करता है एक इमेज और प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी की एक इमेज क्रिएट करता जो है. है? जो है, कर है जो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी होती है ठीक है क्रेक्शन क्या है क्रेक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व कर सकते हैं जो भी नॉन कन्फर्मेंस होते हैं उनको सोल्व किया जाता है प्रॉब्लम जो कि नॉलेज की कमी की, की वजह से या फैसिलिटीज की कमी की वजह से हुई है उनको ठीक किया जाता है करेक्ट किया जाता है कंटिन्यूस कंटिन्यूस का लगातार कंटिन्यूस में कंटिन्यूटी में यानी कि मेंटेन इट्स इंपोर्टेंस इंश्योर एक्सपोजर टू सस्टेन प्रोग्राम इनोवेशन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैथड्स एंड टेक्निक्स तो उसको इन इस तरीके से मेंटेन किया जाता है ठीक है प्रोग्राम चलाए जाते हैं नेक्स्ट टोटल क्वालिटी कंट्रोल कवर करता है जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए हैं जो भी अभी हमें देखे हैं ठीक है थीके? तो उन्हीं के बेस पे जो क्वालिटी एक्टिविटीज हैं प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग प्रोडक्शन एंड इन सर्विस परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इसको देखा जाता है देखा जाता है तो इस तरीके से यह टोटल क्वालिटी कंट्रोल प्रोवाइड करता है एक फीडबैक हर एक स्टेजेस पे फीडबैक प्रोवाइड करता है जो कि कंपैरिजन किया जाता है स्टैंडर्ड्स के साथ में फॉर इनिशिएटिंग कंट्रोल टू ब्रिंग अबाउट मोडिफिकेशन एंड चेंजेस इट एट अप्रोप्रिएट स्टेज ठीक है यानी कि फीडबैक क्या होता है कि जो भी डेविएशन है वेरिएशन है फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके जितना भी डेविएशन है उसको देखा जाता है देन उसके लिए मोडिफिकेशन किया जाता है अगर वेरिएशन है तो चेंजेस किए जाते हैं अप्रोप्रिएट जो भी ज़रूरी होते हैं तो इस तरीके से क्वालिटी यानी कि टोटल क्वालिटी जो कंट्रोल है इसमें वेरियस डिपार्टमेंट का इन्वॉल्व होता है इंट्रैक्शन होता है कोऑर्डिनेशन होता है सभी डिपार्टमेंट मॉनिटर करते हैं वेरियस एक्टिविटी जो कि कैसे होती है थ्रू दी कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम ठीक है और ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये सभी टोटल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आती है तो नेक्स्ट जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक है मैनेजमेंट के लिए क्वालिटी यानी कि नीड फॉर यानी कि मैनेजमेंट की क्या नीड है प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बने रहिए हमारे साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हैवे नाइस डे